लोड हो चुका है तो अभी बांधा जा रहा है। ये देखिए मेरा चाचा है, चाचा पहुंच गया भैया के घर में, सामान उतार के फिर बात करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों घर से थोड़ा देरी से आया हूँ क्योंकि सुबह सुबह कोई काम नहीं होता इसलिए। तो बैठते हैं दोस्तों, ट्रिप मिलने के साथ साथ मिलते हैं। एक कॉल आया था लेकिन एमबी फर्नीचर से, लेकिन बोले थोड़ा देर बाद में फ़ोन करेंगे जाने के लिए, वही बात है, अभी बैठना पड़ेगा। तो बैठते दोस्तों। A few moments later. तो कॉल आ चुका है फाइनली। अफ्तर भाई ने फोन करके बोला है कि राज भैया का कारखाना से मुझे टीना का गोदरेज बोले क्या है, मतलब वार्ड ड्रॉप, तो मैं जा रहा हूँ निकल के, फिर जल्दी जाने के लिए बोला है। चलिए चलते हैं दोस्तों राज भैया का कारखाना में, जो डेम्सनिंग में, उधर जाके बात करते हैं। तो मैं पहुंच गया राज भैया का कारखाना में। गाड़ी मैंने यहाँ पार्क कर दिया, वो ढाबा भी खोल दिया है। ये है राज भैया का कारखाना, सामान ऊपर में है, 6 पीस, 4 पीस का ऑलरेडी काम हो चुका है, लेकिन और 2 पीस है, टोटल 6 पीस लेके जाना है मुझे यहाँ से। तो 2 पीस का और क्या फिटिंग बाकी है, तो 10-15-20 मिनट बैठना पड़ेगा, बैठ के लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे बन रहा है, ये जो गोदरेज है यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे कारखाना है इनका, ये सभी माल यहाँ पे ऊपर भी है, ऊपर में बनाया वाला माल है। और ये भी देखिए लॉकर वगैरह यहाँ पे, ये लॉकर है। दोस्तों अभी वेट करते हैं, सामान ढाल के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, 20 मिनट जिससे बैठना पड़ेगा, बैठ के लेके ही जाऊँगा एक साथ। चलिए दोस्तों होने के बाद मिलते हैं। One hour later. लोड हो चुका है तो अभी बांधना जा रहा है। वो देखिए मेरा चाचा है, चाचा बांध रहे हैं। तो बांधने के बाद दिखा के निकलते हैं दोस्तों। टोटल 5 पीस है, 6 नहीं, एक कमती है। सामान लोड हो चुका है, टोटल 5 पीस है, ये देखिए। मुझे डाला खोलना पड़ेगा क्योंकि 2-2 पीस करके डाला है। तो चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं, जाते हैं जीएस रोड एमबी का दुकान में। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जीएस रोड में, तो ज़्यादा ही टाइम लग गया आने में, मालूम नहीं क्यों इतना ज़्यादा ब्लॉक था, बहुत ही ट्रैफिक जाम ज़्यादा था। IGP से पहले मुझे मिल गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, टाइम हो रहा है 3:30 अभी, सोचिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, मालूम नहीं क्यों। तो पहले जाके सामान उतार लेते हैं दोस्तों। 5 मिनट्स लेटर पहुँच गया, सामान उतारा जा रहा है, उतर के मिलते हैं। तो सामान उतरना हो गया कंप्लीट, मैं स्टैंड पे आके रुका हुआ, अभी रुकते हैं, देखते हैं और कोई काम होता है कि नहीं। इस कॉल आने के साथ साथ मिलते हैं दोस्तों। ओके, a little longer than a few minutes later. तो अभी टाइम हो रहा है 4:30, भैया के दुकान से कॉल आया है, एक सोफा सेट लेके जा रहा है, ढालते हैं जाके, दिखाते हैं आपको कौन सा सोफा है, वही केन का ही है। चलिए ढाल के आपको दिखाते हैं, जाना है उमरोय में दोस्तों। मेरा सामान डालना हो चुका है, मैंने प्लास्टिक लगा दिया है, जाना है उस तरफ, देखिए बादल छाया हुआ है, बारिश आ जाएगा, इसके लिए लगा दिया।
जाके दिखाता हूँ। पहुंच गया भैया का घर में, सामान उतार के फिर बात करते हैं। A few moments later, सामान उतारना हो गया कंप्लीट। ये देखिए भैया ने वहाँ रखा है, थोड़ा टाइम बाहर में रखे हैं, फिर बाद में अंदर ढाल लेंगे वो, इसलिए। तो चलिए अभी निकलते हैं दोस्तों, जाते हैं जीएस रोड। चलिए, बहुत ही सुंदर जगह पे रहते हैं वो, हर तरफ हरियाली हरियाली जंगल है। तो चलिए निकलते हैं। दोस्तों आधा घंटा हो चुका है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या का ट्रैफिक जाम है, शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है सामने में, हिल ही नहीं रहा है। आधा घंटा का ऊपर हो गया, मैं एक ही जगह में बैठा हुआ हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो गया, शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ तो हुआ है, ऐसा ब्लॉक होने का कोई बात नहीं है, सब पता नहीं। बहुत टाइम बैठने के बाद अभी गाड़ी चलना शुरू हुआ है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या हुआ है, कैसे जाकर रोक ही रहा है सब, चलते हैं क्या हुआ है पता नहीं चल रहा है, शायद आगे में ही कुछ हुआ है। तो मैं पहुंच गया जीएस रोड, बहुत टाइम लग गया, 8 बज गया आते आते, थोड़ा टाइम बैठूंगा फिर चला जाऊंगा, बैठ के कोई फायदा नहीं है मुझे मालूम है, अभी थोड़ा टाइम बैठता हूँ फिर चला जाऊंगा घर में। One hour later. तो दोस्तों मैं आ गया, थोड़ा टाइम बैठा था जीएस रोड में, मुझे मालूम था और कोई काम नहीं होगा तो इसलिए मैं चला आया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।